दोस्तों आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप 24 से 25 लाख रुपए साल के या फिर 2 से 2.5 लाख रुपए महीने के आप आसानी से बिना किसी टेंशन के आप निकाल सकते हैं। अब आप में से बहुत से सोच रहे होंगे कि ये या तो बेवकूफ़ बना रहा है या फिर ऐसा कुछ होता ही नहीं है, वो भी स्टॉक मार्केट में। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल आसानी से बिना किसी टेंशन से, बस आपको इतना आना चाहिए बाई और सेल करते हुए, और आप आसानी से मंथली के ज़्यादा नहीं तो भी 2 लाख रुपए तो आप निकाल ही पाएंगे। वह कैसे वो तो मैं आगे बताऊंगा आपको, पर आसानी से ज़रूर प्रॉफिट कर सकते हैं आप। अब आप में से बहुत से ऐसे भी होंगे कि जिनके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यार आपके जब आप इतना कमा सकते हैं है ना, तो उसके बाद YouTube पर क्या कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ है। आप बिल्कुल इसको पूरा देखना, उसका भी जवाब आपको आसानी से मिल जाएगा, और बिल्कुल प्रूफ के साथ। ऐसा भी नहीं कि कुछ हवाबाजी या इस तरीके से, कुछ भी नहीं है। और दोस्तों ऐसा YouTube या सोशल प्लेटफॉर्म पे ऐसा एक भी बंदा नहीं मिलेगा कि जो आपको इतनी गारंटी से बता सकता हो कि आपको 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख रुपए तक आसानी से आप बिना किसी बस बाय या सेल करते आना चाहिए, इतनी गारंटी लेके बोल सके कि आप इतना, वो भी रिटेल इन्वेस्टर खास करके, आसानी से कमा सकते। ना तो ऐसा कोई चैनल मिलेगा, ना आपको ऐसा कोई बंदा मिलेगा सिर्फ यह चैनल छोड़ के, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी कोई आपको या तो कोई भी जितने भी ये एजुकेशन चैनल है स्टॉक मार्केट के, तो आपने देखा होगा कि या तो वो स्टॉक बता देंगे आपको, इंडिकेटर बता सकते हैं वो है ना, स्ट्रेटेजी बता सकते हैं वो, बाय या सेल कैसे क्या करना है ये बता सकते हैं, लेकिन जब लाइव मार्केट चलता है तब तो वो कोई भी नहीं बताता आपको लाइव मार्केट में कब बाय करना कब सेल करना। ये आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जो रियल लाइव मार्केट में कोई बता दे आपको, क्योंकि वो इसलिए नहीं बताते कि उनकी रोजी रोटी टिप्स और इन पे चल रही है ना, तो वो संभव ही नहीं कि वो बता दे, क्योंकि उनको खुद को नहीं पता है। तो वो बताएंगे कैसे आपको कि कब बाय करना है कब सेल करना है, सब बता देंगे वो, अच्छे तरीके से बता देंगे कि अच्छे अच्छी स्ट्रेटेजी बता देंगे, पर रियल लाइव मार्केट में नहीं बता सकते। और अब हमारे यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर पहले ही जॉब कर रहा होता है, तो वो कब तो कमा मतलब सीखेगा कमाएगा या स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करेगा, कब वो इसको अप्लाई करेगा, इसी कारण वो फेल होता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि कब बाय करना कब सेल। तो ये हमेशा ऐसा ही चलेगा जब तक इसकी गहराई में आप समझोगे नहीं, इनके एक एक पॉइंट नहीं समझोगे सीखोगे, तब तक आप अच्छा स्टॉक होने के बाद आप अच्छा ट्रेड नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको पता ही नहीं है कब बाय करना कब सेल करना, चाहे कोई कितना भी सही बता दे। और दोस्तों जो लाइव मार्केट है और जो प्राइस चल रही है वो एक अनंत सत्य है, हमें जब भी ट्रेड लेना है वहीं से लेना है, वहीं से आपने चाहे जितना सीखा हो है ना, लेकिन वो एक अनंत सत्य है, और उस पे कोई भी इतना रिस्क इतना दाव कोई भी नहीं लगाता है। इसीलिए हम टोटल रिटेल इन्वेस्टर फेल होते हैं, क्योंकि वो एक तो जॉब कर रहे होते हैं या स्टूडेंट है या इस तरीके से है ना, जो कि इतना समय नहीं दे सकते हैं कि किस तरीके से उनको एक एक पॉइंट समझे करें, क्योंकि उनके पास अकाउंट है पेमेंट, इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए वो टिप्स वगैरह इन पे और वहाँ पे भी उनको धोखा ही मिलता है, क्योंकि टिप्स लेते हैं उसके पहले उनको स्टॉप लॉस बता दिया जाता है उसमें कि अगर ये टारगेट नहीं आया तो स्टॉप लॉस इतने का है, जबकि स्टॉप लॉस पहले किस आधार पे दे रहे हैं, जब लाइव मार्केट का डेटा ही उपलब्ध नहीं है ना, तो आप पहले कैसे बता रहे हो। तो ये सब क्या है कि एक आपको इन चीज़ों से निकलना होगा बाहर, उसी के बाद ही आप स्टॉक मार्केट में कमा सकते हैं। कैसे क्या है ये आप इसको पूरा देखना, आपको टोटल समझ में आ जाएगा। आपके लिए 2-2.5 लाख रुपये कमाना इससे अच्छा उपाय और कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने देख लिया, मैंने इतने स्टॉक दिए हैं मार्केट की दिशा के विपरीत के भी स्टॉक बताए आपको, मार्केट के साथ चलने वाले स्टॉक भी बताए, सारे तरह के स्टॉक बताए। क्या सभी ने कमाया? नहीं कमाया, इग्नोर कर दिया होगा या कुछ भी किया होगा, या फिर सही ट्रेड लेने के बाद भी पूरा मुनाफा निकाल के निकले या पूरा मुनाफा निकाला ही नहीं होगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट करके ही बाहर हो गए होंगे। बहुत सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं यकीन से बोल सकता हूँ कि किसी ने भी नहीं कमाया होगा, क्योंकि दोस्तों ये समझना होगा आपको कि स्टॉक मार्केट में अगर कमाना है आपको तो बहुत एडवांस लेवल पर आपको समझना होगा, हर एक पॉइंट को इसमें गहराई से सीखना होगा। और इतना करने के लिए आप लिख कर रख लीजिए कि कम से कम आप पूरे पागल जैसे 4 से 5 साल लगाओगे, तब जाके आपको
तब जाकर आप इसमें मास्टर बनोगे, वरना बनोगे ही नहीं। ऐसे ही आप 1-2 लाख रुपए लगाते रहोगे, थोड़े बहुत कमाओगे, एक बार में सारे चले जाएंगे, थोड़े बहुत जाएंगे, इस तरीके से चलता रहेगा। हमेशा सभी के साथ ऐसा ही हो रहा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आप कंटिन्यू कमा रहे होंगे या फिर कंटिन्यू बहुत से कमा रहे होंगे। 400-500-700 रुपये डेली के जो निकालते होंगे, जो उसी में खुद से वो ज़रूर कर रहे होंगे, लेकिन आप सोच रहे हो कि यार 1-2 लाख, 4 लाख, 8 लाख रुपये मंथली निकाल लूँ, तो वो उसके लिए बहुत एडवांस लेवल पर आपको समझना सीखना होगा। मैंने सही स्टॉक बताए, सब कुछ बताया, किस तरीके से ट्रेड लेना ये भी बताया है ना, उसके बावजूद आप नहीं कमा पाए। तो अब आप समझ लीजिए कि इसमें सिर्फ ये पता लगाना बड़ी बात नहीं है कि चलो यार सही स्टॉक मिल गया, किस तरीके से ट्रेड लेना। रियलिटी में ट्रेड लेना भी एक, उसके लिए भी आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए ना, बहुत वो कॉन्फिडेंस चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए, सारे चीज चाहिए। सभी फैक्टर को मिलाओगे तभी आप इसमें अच्छा खासा कमाओगे, वरना ऐसा ही चलता रहेगा जैसा अभी तक आया, जैसा अभी तक आप इधर उधर से स्टॉक देख के समझ के ट्रेड ले रहे हो, ऐसा ही चलता रहेगा। कभी भी रियलिटी में आप नहीं कमाओगे, और इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर फेल होता है, क्योंकि वो रियलिटी को समझ ही नहीं पाता है कि कौन क्या बता रहा है, किस तरीके से बता रहा है या किस तरीके से ट्रेड लेना है। इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है, ये मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ और अभी भी बोलूँगा। आपने देखा होगा कि बहुत बार आप सही ट्रेड लेते हैं ना, उसके बावजूद पूरा मुनाफा ले ही नहीं पाते हो, बाहर निकल जाते हो। इंट्राडे में हो तो बाहर निकल जाओगे अगले रोज़ के लिए कैरी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि अगले रोज़ कहाँ पर जाएगा स्टॉक। सिर्फ किसी ने बताया, आपने ट्रेड लिया उसके मेथड पे और ट्रेड लेके बैठ गए, या बाहर हो गया थोड़ा बहुत, 1-2 ट्रेड खुश हो गए, निकल गया मान लीजिए एक प्रॉफिट, तो आप ऐसे खुश हो जाओगे जैसे कि सब कुछ मिल गया आपको, आपसे बड़ा ज्ञानी यही नहीं स्टॉक मार्केट में। तो ये बिल्कुल गलत है, इस तरीके से आप कभी भी नहीं कमा पाओगे। और मैंने तो बिल्कुल देखे, मैं इतना कोई बहुत प्रोफेशनली यूट्यूबर नहीं हूँ कि जो आपको मतलब बड़ा चढ़ा के या घुमा फिरा के या नए नए इफेक्ट डाल के आपको मैं वीडियो बना के डालूँ। मैं तो एक मैं मेरी दुनिया में मस्त रहता हूँ, मस्त कमाता हूँ, और ये सिर्फ यूट्यूब इसलिए चयन करा कि इसमें क्या है कि एक पहचान मिलती है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। टैलेंट है आपके पास, पहचान मिलती है, पर इसका मिसयूज़ हो रहा है कि यहाँ पे क्या है कि दूसरे इतने आ गए हैं कि कोई टैलेंट वैलेंट की कोई कम वो ही नहीं है, मतलब वैल्यू ही नहीं उसकी, तो वो तो एक ही तरफ पड़ा रहेगा उसकी, तो वो मुझसे संभव नहीं है कि मैं इतना करके ना आपके लिए। हाँ, मैंने बहुत काफ़ी सोचा, मैं डेली मैं मेरे इसमें ही मस्त रहता हूँ, आपको स्टॉक बता रहा हूँ, उसके बावजूद नहीं कमा रहे हैं। मैं अभी एक सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, जैसे ही वो क्लियर हो जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है। मैं एक व्हाट्सअप नंबर दूंगा, उस पर आप जुड़ जाना। उसमें क्या होगा कि जब रियल मार्केट चलेगा है ना, रियल जब ट्रेडिंग होगी, तो उसमें मैं स्टॉक तो वैसे भी आपको बताते रहता हूँ, मैं जिस स्टॉक में मैं भी आपको वही स्टॉक बताता हूँ जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ, वरना बताता ही नहीं हूँ क्या। तो मैं क्या करूँगा, जो स्टॉक जिस समय बाई करना है तो मैं आपको बता दिया करूँगा व्हाट्सएप पे फटाक से कि यार बाई कर लीजिए, और आपको क्लियर बता लूँगा कि सेल कर दीजिए। इससे ज़्यादा आप दिमाग मत लगाइए, क्योंकि या तो आप बिल्कुल सीखिए, सीखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपके पास जब तक अच्छी खासी इनकम नहीं होगी लिख कर रख लीजिए, कभी नहीं कमाओगे। ऐसा ही चलेगा, जैसा अभी तक हो रहा है ऐसा ही होगा। 1-2 ट्रेड सही जाएंगे, गलत जाएंगे, आप जीवन भर इसी कन्फ्यूज़न में रहोगे। जबकि मैंने आपको इतने स्टॉक दिए, आप बकायदा पहले कैंडल मिलाइए, जो जो स्टॉक दिए एक भी स्टॉक बता दीजिए कि ये गलत है। लोग दुनिया से 5-7 पॉइंट भी नहीं निकलते हैं, मैंने तो 5-5, 7-7% के हर एक स्टॉक बताए। तो अब आप समझ लीजिए कि मतलब प्रॉफिट करना एक नॉर्मल चीज़ होनी चाहिए, लेकिन हमारे इसमें क्या हो रहा है कि आप नुकसान एक नॉर्मल चीज़ है, प्रॉफिट कभी कभार हो रहा है, तो वो गलत है क्या। तो इसका उपाय यही है कि मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर दूंगा, उस पर कैसे जुड़ना है, क्या जुड़ना है, किस तरीके से। यकीन मानिए कि जो मैं बताऊँगा, कितनी क्वांटिटी में बाय करना है, मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि आपको इतना मंथली निकाल के दूंगा कि आप 2 लाख रुपए तो कम से कम गिरी से गिरी कंडीशन में आप निकालोगे ही,
उसका ईयरली आप लोगे तो 25 लाख रुपए, बिल्कुल आपके डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, अब भी बोल रहा हूँ, बार बार बोलूँगा कि इतने आपको आपके अकाउंट में मिलेंगे ही। बस ये है कि मैं जब बता दूँ आपको बाय कर लेना, जब बता दूँ सेल कर देना। कैरी फॉरवर्ड का होगा तो मैं बता दूंगा कि इसको रखना है नहीं रखना है, वो व्हाट्सअप में मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, क्योंकि मैंने देख लिया है कि इस पर मान लीजिए कि मैं कितने भी एजुकेशन का कुछ भी डाल दूं, कोई वक्त नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, अभी इफेक्ट डाल दूं, लाइव ट्रेड बता दूं, अब मान लीजिए कि मेरे लाइव ट्रेड बता भी दिए ना, उसमें जो मैं प्रॉफिट करता हूँ वो बता भी दूंगा, तो मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि वो प्रॉफिट, तुम अभी बीमार हो गए, मान लीजिए कि आपके यहाँ पे कोई बीमार हुआ है ना, या आपको भूख लगी है, आपको कुछ भी ख़रीदना है, तो क्या मेरे लाइव ट्रेड से क्या वो उस प्रॉफिट से आपको फ़ायदा होगा क्या? जब नहीं होगा तो मतलब लोग दुनिया को सिर्फ दिखावा चाहिए, जो कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे लिए असंभव है। क्योंकि ऐसे ये अगर ये चीज़ होती तो मैं अभी तक इतना बता देता कि जो आपके मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा उस तरीके से मैं बता देता, और आपने देखा होगा मैं हमेशा जो भी चीज़ बताता हूँ, चाहे मैंने प्रॉफिट का बताया है कि आपको 2 लाख रुपए मंथली निकाल के दूंगा, तो ये बहुत मैंने सोच समझ के 10 दिन सोचा हूँ, परफेक्ट पूरी प्लानिंग करी है, उसके बावजूद मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना निकाल के दूंगा, तब जाके। ऐसा नहीं है कि मैंने उठ गया और वीडियो डाल दिया, क्योंकि मैं ऐसे हवाबाजी में और इस तरीके से तो मैं कभी आपको बताता भी नहीं हूँ। मेरे पुराने वीडियो भी जो स्टॉक के लिए मैंने वीडियो डाले थे इंट्राडे के लिए है ना, तो उनको देखना, मैंने क्लियर बताया था कि मैं हमेशा वही चीज़ बताता हूँ कि जो कम से कम हो। तो इतना यकीन मानिए कि जब मैं 2 लाख रुपए का बता रहा हूँ तो उससे ज़्यादा ही प्रॉफिट दूंगा, कम नहीं, और ऐसा एक भी माई का लाल नहीं होगा जो रिटेल इन्वेस्टर को ये बोल सके कि हाँ मैं बताऊँगा लाइव मार्केट में आपको बताऊँगा। एक रोज़ की बात नहीं है, क्योंकि इसमें तो क्या है कि पूरी साखित दाव पे लग गई है। मान लीजिए कि 1-2 महीने आपने कमा लिए, नहीं जिस रोज़ 1 महीना नहीं कमाओगे नहीं तो आप मुझे ही गालियाँ दोगे, तो इतना रिस्क कोई भी नहीं लेता। उसके बावजूद मैंने तो डंके चोट पे बोल के बता रहा हूँ आपको कि इस तरीके से ही आप पहले अर्निंग कर लिए, 1-1.5 साल या 4-6 महीने जब आप कर लोगे ना तो मैं बता दूंगा किस तरीके से। बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि वो इतना अगर मैं चाहूँ तो एक बुक आराम से लिख सकता हूँ, आस्ते आस्ते लिख सकता हूँ, पर मुझे इतनी उसमें उलझना नहीं है, क्योंकि मैंने एक छोटा सा ट्राई किया था कि यूट्यूब पर अपन ट्राई करते हैं कि इसमें क्या होता है, तो मैंने देख लिया कि क्या होने वाला है। इस पर सिर्फ दिखावा चाहिए, जो कि मुझसे संभव होगा नहीं। हाँ, मैं अपन जो डेली के जो ट्रेड लेंगे है ना, और उनका जो प्रॉफिट होगा और जो स्टॉक होंगे वो मैं डेली इस पर शेयर करता रहूँगा। अब बहुत से बोलेंगे कि यार चलो ये तो पिक्चर हो गई कि ये किस तरीके से क्या है क्या नहीं है ना, इसमें प्रूफ क्या? तो देखिए, जो भी व्हाट्सअप ग्रुप पर रहेंगे उनको मैं सबसे पहले तो जो मेरी इनकम टैक्स की रिटर्न भरा है ना उससे आपको, क्योंकि उससे बड़ा प्रूफ कुछ भी नहीं रहता है, चाहे मैं इतने लाइव ट्रेड बता दूँ कुछ भी बता दूँ, रिटर्न फाइल से बड़ा कोई भी प्रूफ नहीं। और उसके बावजूद भी सबसे बड़ी बात, प्रूफ के लिए मैंने ऑलरेडी इंट्राडे के जो वीडियो डाले हैं आप एक बार उनको देखिए, स्टॉक उनके नाम लिखे हो और जिस रोज के बताए उनकी कैंडल ऑन मैच कर लीजिए। अब भी बोल रहा हूँ कि लोग दुनिया से 5-5, 7-7 पॉइंट नहीं निकलते हैं, वो दिन भर बैठे रहते हैं। मैंने 5-5, 7-7% के एक नहीं, कम से कम 30 स्टॉक दिए होंगे, 30 में से एक भी बता दीजिए। अगर रियलिटी में कोई बंदा ने अगर शुरू से जुड़ा होगा ना, उसने उस आधार पे अगर ट्रेड लिए होंगे नहीं, तो यकीन माने कि उसने अभी तक 1 लाख लगाए होंगे तो 1.5 से 2 लाख रुपये कमाए ही होंगे, उससे ज़्यादा पर कम नहीं कमाए होंगे। अब रही बात कि ये व्हाट्सअप नंबर और ये कब शेयर करूँगा, किस तरीके से उसमें एंट्री होगी, ये तो ये आने वाले समय में लगभग 1 महीना और लगेगा मेरे को, ये टोटल क्लियर हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, और लाइव मार्केट में बिल्कुल किस तरीके से ट्रेड लेना है। और तो और मैं ये भी बता देता हूँ कि जैसे ही न्यूज़ भी आती है बहुत सी, तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि यार पहले ही बता दूंगा कि इस न्यूज़ का कोई सा भी मान लीजिए कि स्टॉक है ना, तो उसका इफेक्ट नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा। बहुत बार आपने देखा होगा कि स्टॉक तो अच्छा है ना, पॉजिटिव जा रहा है, उसका रिजल्ट भी अच्छा आया, सब कुछ आया, न्यूज़ आने के बाद सब कुछ अच्छा है, उसके बावजूद वो रिटर्न हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि पहले ही पता रहती है, मतलब आपको प्रॉफिट एक नॉर्मल चीज़ होनी चाहिए, बाएँ हाथ का काम होना चाहिए, प्रॉफिट क्या चीज़ है
है ना। तो अब WhatsApp नंबर के लिए तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा किस तरीके से उसमें आपको एंट्री मिलेगी। कुछ ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ लाखों करोड़ों आपको खर्च करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर मैं यही काम करता है ना। तो ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके लिए कुछ ऐसा है कि यार आपके बस से बाहर है, या आपके वो जो के मतलब एक पेड तरीके से जो करते हैं, क्योंकि मैं तो स्टॉक ऑलरेडी ऐसे भी फ्री बताता हूँ है ना। अब लाइव मार्केट में रियल टाइम पे कोई भी ऐसा नहीं है जो इतना क्लियर, इतना एक्यूरेट और इतना तरीके से कि जो आपको 20 से 25 लाख का क्लियर बता रहा है कि इतना दूंगा ही दूंगा इतना प्रॉफिट करके। और ऐसा भी नहीं है कि जो आपको व्हाट्सएप पे बता दिया कि डेली वीडियो भी उनके डालेंगे कि हमने कितना प्रॉफिट करा है, क्या करा है आपके लिए। तो इसके लिए थोड़ा वेट करना होगा, कम से कम एक महीना आपको और लगेगा इंतज़ार करना। उस जब तक मैं जो स्टॉक बताता रहूँ आप उन पे ट्रेडिंग या जो भी प्रैक्टिस करनी हो करना, नहीं भी करना हो तो इंतज़ार करिए जब तक के लिए। चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए जब तक। मतलब बड़े शर्म की बात है दोस्तों कि मतलब हमारे यहाँ है ना, हम 20-50 हज़ार मतलब नॉर्मल आदमी नहीं निकाल पा रहा है। मतलब आप सोचिए कि हम मतलब एक तो इंडिया मतलब पावरफुल कंट्री मतलब सपना देखती है कि हम दूसरे नंबर पे आ जाएंगे, तीसरे नंबर पे आ जाएंगे 2050 तक, 20 तक, 30 तक है ना। ये मतलब एक ख्वाब रहते हैं। और मतलब पब्लिक को देखिए कि मतलब 20-50 लाख रुपये मतलब उनके लिए सपना ही हो गया कि अरे कब कमाएँगे। मतलब अब इससे गई बीती बात क्या होगी। और देखिए स्टॉक मार्केट में क्या, अदर कंट्री में, अदर कंट्री ले लीजिए, वहाँ पे क्या है, इसको एक एजुकेशन की तरीके से लेते हैं। और हमारे यहाँ पे क्या है, गेमलिंग। इसको जब भी किसी के भी सामने बात कर लीजिए आपको यही बोलेंगे कि ये सट्टा है। तो मतलब इतना फ़र्क है, मतलब हमारे यहाँ पे ये फ़र्क ही नहीं समझ रहे हैं कि रियलिटी में मतलब रियल चीज़ क्या है। मतलब नॉर्मल चीज़ जो नहीं समझ पा रहे हैं ना कि जो हकीकत क्या है, और जिसको गेमलिंग बोलनी चाहिए उसको बड़ी तवज्जो देते हैं। जो एक रियल है, जो मतलब आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व कर सकती है बेरोजगारी वगैरह बड़ी आसानी से, इसको गेमलिंग का नाम दे दिया है। और जो कमा रहे हैं, जो भी कमा रहा है वो उसकी स्ट्रेटेजी कभी नहीं बताता किस तरीके से कमा रहा है, क्या कोई भी नहीं बता। और जो बताते हैं है ना, तो वो क्या है कि उन्होंने क्या कर रखा है कि उनका एक नया बिजनेस बना लिया। एक मान लीजिए कि फ्यूचर में उधर से फेल हो जाए वो, तो उन्होंने क्या है कि ये यूट्यूब पर आ गए, वो बताने लग गए या पेड कोर्स कर दिए। अब दोस्तों मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ना तो मतलब मैंने ट्राई से मैं इतना कर सकता हूँ आपके लिए, स्टॉक बता सकता हूँ कब बाय करना कब सेल करना है ये बता सकता हूँ है ना। क्योंकि लाइव मार्केट में क्या हो रहा है ये कोई भी नहीं बता सकता है। लाइव मार्केट में तो आपको फटाफट डेटा रीड करना होता है और उसका कंक्लूज़न उसके एक्शन से पहले निकालना पड़ता है, क्या फाइनल डिसीजन। इसमें क्या है, आपको पल पल पे चेंज होना पड़ता है, इमोशन तो बिल्कुल मारने पड़ते हैं। मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से फैक्टर हैं। आप कितना भी मतलब इसमें ये मतलब बहुत सी कंडीशन है, मैं इतना डीप में नहीं बता सकता हूँ, मैं बताऊँगा क्यों कोई मतलब नहीं, इतनी बात भी कर दूँगा तो क्या। ऐसा भी नहीं है कि मैं आने वाले समय में ये सीखने की चीज़ें ये डालता रहता हूँ और डालूँगा इसे, लेकिन इन सब को समझने के लिए आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस सबसे पहले तो एक फैमिली से मिलना चाहिए, दूसरा क्या आपके पास आप पर्सनली तौर पे जिस रोज़ 1 लाख के 4 लाख स्टॉक मार्केट से कर ले उस रोज़ आएगा, उसके पहले कभी नहीं आएगा। कितने भी वीडियो देख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। मैं लिख के दे दूँ कि कुछ भी नहीं होगा क्या। और बहुत से तो क्या बेचारा 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख लगाते हैं। मान लीजिए किसी ने 1 लाख लगाया, वो क्या करेगा मालूम कि 1 लाख लगाया, मान लीजिए कि 10,000 कम हो गया, नहीं तो उसके माइंड में सबसे पहले तो यही चलेगा कि हम वो 10,000 कवर करें क्या, उसके बाद ट्रेडिंग लेंगे कि किस तरीके से लेनी है। वो उसी में उलझ जाता है और वहीं से लॉस उसका स्टार्ट हो जाता है। कमाना तो छोड़िए, या मान लीजिए कि एक बार उसने अर्न कर लिया 10-15 हज़ार, तो फिर वो ऐसा सोचता है कि उससे बड़ा मतलब ट्रेडर या इन्वेस्टर कोई नहीं है क्या, उससे एक्यूरेट कोई कुछ नहीं है, और नुकसान कर लेता वो ओवर कॉन्फिडेंस में। तो इस तरीके से क्या है, ये नॉर्मल चीज़ जो खुद को प्रभावित करती है ना, वो चीज़ें भी है, प्लस डेटा भी है, इंडिकेटर्स भी है। और सबसे ज़्यादा आपको तो क्या है कि मशीनों से लड़ाई करनी है,
एल्गोरिज्म से लड़ाई करनी है, उनसे मतलब ट्रेडिंग करनी है, उनसे जीतना है आपको, तो वो इतना आसान नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। पर उसके लिए क्या है, आपको पहले सक्षम बनना पड़ेगा। अब सक्षम का मतलब ये नहीं है, अभी आप ये मैंने बताया ना कि मैं इतना आपको बिल्कुल दूंगा, शुरुआत के एक आधे महीने, एक दो महीने या तीन महीने आपको कम प्रॉफिट होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि आपको क्वांटिटी धीरे धीरे, मान लीजिए मैं इकट्ठी बोल दूंगा का 5,000 क्वांटिटी खरीद लीजिए, तो कोई आप खरीदने वाले हो नहीं, है ना। तो स्टार्टिंग में दो एक महीने में आपको कम से कम इतना 60-70-80 हज़ार रुपये जैसे ही इतना तो निकाल के दूंगा ही दूंगा। और उसके नेक्स्ट मंथ से मैं बिल्कुल आपको मतलब 2-1 लाख रुपये मंथली आपकी इनकम कर दूंगा। पर उन्हीं इंसानों की होगी ये कि जो इधर उधर 50 जगह नहीं देख रहे हैं, है ना, 50 जनों पे डिपेंड नहीं है, उन्हीं इंसानों के लिए। बाकी आप सोचो कि इधर भी सुन लिया उधर भी सुन लिया सब मिक्स कर दिया तो कुछ मतलब नहीं है, इससे अच्छा तो आप स्टॉक मार्केट छोड़ दीजिए। ये सिर्फ उन इंसानों के लिए रहेगा कि जो रियलिटी में सिर्फ जैसे कि इस चैनल के साथ जो जुड़े हुए हैं ना, सिर्फ उन्हीं ग्रुप को हम इन्वॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि चाहे जिसको उठा उठा के डाल लिया ने ले लिया ने, वो इधर भी सुन रहे उधर भी सुन रहे, या फिर हमसे ही सीख के ने उनका ही चैनल ग्रो कर रहे, उन पर कैसे क्या ये करना है सारी अभी चल रही है। एक महीने में टोटल कंप्लीट हो जाएगा, आपको इतना बताया जाएगा, मैंने बता दिया आपको कि किस तरीके से आप बिना टेंशन से आप बिल्कुल ले सकते हैं, उसकी गारंटी मैं प्रूफ भी बताऊंगा कि मैं कितना कमाता हूँ। ये जो हमारे जुड़े हुए मेंबर्स रहेंगे उनके उनको ही बताया जाएगा, चाहे जिसको नहीं कि मेरे को क्या करना, किसको बताने से नहीं बताने से काम मेरे को देने आ रहे हैं। और रही बात लाइव ट्रेडिंग वगैरह की, तो उससे भी क्या होगा, मेरा प्रॉफिट है मेरे को काम में आएगा, कल से आपके यहाँ बीमार होगा तो कोई मैं देना थोड़ी ना रहा, तो ये फोकट की बातें हैं इससे कोई। हाँ मैंने स्टॉक अगर आपको क्वालिटी चेक करनी है कि यार सही बताते हैं गलत बताते हैं, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं कैंडल, आप मिलाइए जो जो स्टॉक है उनके नाम लिखिए, कैंडल मिला के देख चेक कीजिए आप कि यार कितनी एक्यूरेट है या नहीं है। एक भी गलत बता देना आपके इसमें से एक ट्रेड भी गलत होगा, अगर रियलिटी में जैसा मैंने बताया उस तरीके से ट्रेड लिया होगा डंके की, क्योंकि मैंने खुद ने उसी में ट्रेड लिए हैं। तो आप इंतज़ार करिए कि मैं जैसे ही वो नंबर आपके साथ शेयर करूं, है ना, किस तरीके से जुड़ना है क्या है, सिर्फ उस वीडियो में वही चर्चा करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। क्या होने वाला, किस तरीके से होने वाला, ये मैंने टोटल इसमें बता दिया है, कितना मिलेगा आपको वो बता दिया है। और ऐसा एक भी नहीं है और न होगा, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उनकी रोजी रोटी उसी से चल रही है पेड कोर्सों से, तो उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो ये बता दे कि या ये दावा कर दे या ऐसा डंके की चोट पे ठोक के बोल दे कि नहीं मैं कमवा के दूंगा लाइव मार्केट में डेली या मंथली आपको इतना निकाल के दूंगा, ऐसा एक भी बता दीजिए कमेंट में, बिल्कुल बताना आपके ऐसा एक बंदा भी है, क्योंकि मेरे को मालूम है नहीं मिलेगा ही नहीं। तो ये आप ध्यान रखना, मेरे आपसे निवेदन है कि ग्रुप में जुड़ने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन और लाइक बटन को जरूर दीजिए। मैं इंट्राडे के जो भी स्टॉक दूँ आपको उनको आप वॉच करिए या उनमें ट्रेडिंग लीजिए, मैंने बताया हुआ किस तरीके से ट्रेडिंग लेना है, या फिर उनको भी वॉच कीजिए। आप जैसे ही ग्रुप बनाना स्टार्ट करूँगा उस समय आप बिल्कुल आपको बता दिया करूँगा किस समय लाइव मार्केट में कब बाय करना है और कब हमें प्रॉफिट बुक करके बाहर होना है।